तो क्या आप भी क्लास स्क्वाड में बार बार मर रहे हो? हाँ। तो क्या आपके भी क्लास स्क्वाड के स्टार घट रहे हैं? हाँ। तो क्या आपको भी क्लास स्क्वाड में हीरोइक करना है? अरे हाँ भाई हाँ। तो ठीक है यार, फिर देख लो वीडियो को पूरा। अब से आप भी क्लास स्क्वाड का हर एक मैच बुआ करेंगे। अब भाई हर एक मैच तो बुआ नहीं कर पाता है कोई भी, लेकिन भाई आप 80-90% बुआ करोगे। 10% है कि आपका बुआ ना हो पाए। बस हम जो आपको ट्रिक बता रहे हैं वो ट्रिक फॉलो कर लो, उसके बाद आपका भी हर एक मैच ही बुआ होगा। अब देखो, आप लोग कोई ना कोई तो गलती करते होगे, तभी तो आपका बुआ नहीं हो पाता है। तो यार आप लोग क्या गलती करते हो वो भी मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो दोबारा से आप वो गलती भी नहीं कर पाएंगे। और आपको किस तरीके से खेलना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका हर एक मैच बुआ हो सके। और भाई कई बंदे तो थंबनेल देखकर आए हुए कि ये फैक्ट्री पे गया तो गया कैसे, तो यार ये भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि मैं इसके ऊपर कैसे गया। एकदम इजी है यहाँ पे जाना, तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब देखो भाई, सबसे पहला जो इसमें है वो है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो यार अगर आपका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है तो फिर यार आपके 50% चांस तो बुआ होने के इसी में बन जाएंगे। अब कभी कभी तो आप लोग इस कंफ्यूजन में रहते हो कि यार हमारे पास क्रोनो भी है और बुकोंग भी है, तो हम इन दोनों कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर लें, तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट ध्यान से कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए फिर अभी चलते हैं अपन ट्रिक नंबर 1 की तरफ। तो गाइस पहली ट्रिक जो है हमारी वो है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो गाइस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में हमारे 4 कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला कैरेक्टर तो हो गया एंड्रयू। अब एंड्रयू यूज आपको इसलिए करना है क्योंकि यार वो बेस्ट की पावर बढ़ाता है, उससे आपको कम डैमेज मिलता है। एंड्रयू बहुत ज्यादा डैमेज झेल लेता है, तो सबसे पहला तो आपको एंड्रयू ही यूज करना है। अब दूसरा जो है वो है आपको क्रोनो। तो यार एक्टिव स्किल में आपको क्रोनो यूज करना है अगर आपके पास क्रोनो है तो, और अगर आपके पास क्रोनो कैरेक्टर नहीं है तो फिर आप बुकोंग कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। अब कई बंदों के पास क्रोनो कैरेक्टर होता है तब भी वो बुकोंग यूज करते हैं, नहीं भाई ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास क्रोनो कैरेक्टर है तो फिर आप क्रोनो कैरेक्टर ही यूज करो। क्रोनो बुकोंग को आराम से मार सकता है। अगर आपको मारते नहीं आता है तो फिर आप लोग मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने बुकोंग को मारने की ऐसी धांसू ट्रिक बताई है कि अगर आपके पास क्रोनो कैरेक्टर है तो फिर आप क्रोनो ही यूज करोगे। अब भाई दूसरा जो है वो है आप लोग किला यूज करते हो। तो यार किला आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि यार किला कैरेक्टर में क्या होता है कि आप लोग एक ही मतलब पहले राउंड में किला कैरेक्टर यूज कर लोगे और फिर बाकी का वो कहीं पे यूज नहीं होगा। तो आपको ऐसी कैरेक्टर स्किल रखना है जो आपकी परमानेंट यूज होती रहे। तो दूसरा कैरेक्टर जो है वो आप लोग कैली रख सकते हो। अब कैली क्या करती है कि वो बहुत तेज फास्ट दौड़ती है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब कैली कैरेक्टर तो आपको रखना ही है। अभी देखो, अब आपको तीसरा स्लॉट जो है उसमें आपको मैक्सिम यूज करना है। अब मैक्सिम कैरेक्टर क्या करता है कि वो बहुत तेज मेडिकेट लगाता है, मतलब वो बहुत फास्ट मेडिकेट लगाता है, और आप लोग देख भी पा रहे होंगे 33% एक्स्ट्रा मतलब 33% जल्दी मेडिकेट लगाता है। तो यार मतलब रिपेयर किट के जैसे आप मेडिकेट लगाओगे। अब इसमें ज्यादातर आपको डैमेज पड़ता है, तो यार मेडिकेट बहुत जल्दी आपको लगाने की पड़ी रहती है, मतलब जल्दी से जल्दी अगर हम मेडिकेट लगा लेंगे तो यार उससे हमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि क्लास स्क्वाड जो बंदा खेल रहा है उसे डैमेज ना पड़े, डैमेज तो पड़ेगा ही और बहुत कम समय होता है, तो यार ये मेडिकेट लगाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो आप मैक्सिम कैरेक्टर यूज करो जिससे आप मेडिकेट बहुत जल्दी लगा सको। और अगर आप मैक्सिम यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ये क्या बोलते हैं इससे मूको कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो। मूको कैरेक्टर क्या करता है कि वो आपके मतलब आप किसी भी एनिमी पे फायर करोगे तो वो लोकेशन दिखाता है, 5 सेकंड तक लोकेशन दिखाता रहता है, उससे आपके सभी टीममेट्स को देखता है कि ये बंदा कहां पे जा रहा है। तो यही 4 कैरेक्टर हैं जो आप यूज कर सकते हो। अब एक्टिव स्किल में सिर्फ एक ही एक्टिव स्किल यूज कर सकते हैं और ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए बता ही दिया है। तो चलो फिर अभी चलते हैं अपन ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो गाइस दूसरी ट्रिक हमारी राउंड फर्स्ट। अब राउंड फर्स्ट आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अब हमें 7 राउंड सिखाएगा क्या, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राउंड फर्स्ट एक ऐसा राउंड है कि आप लोगों को ये जीतना ही चाहिए। अब आप लोग गलती क्या कर देते हो राउंड फर्स्ट में कि आप लोग M500 ले लेते हो और दूर से आप ऐसे ही पट पट करते रहते हो और उसका बन टैप लगता नहीं है। और अगर आपको बन टैप मारना आता भी है तब भी आप M500 मत लो। M500 ऐसी जगह पे लो, आपको बन टैप मारना आता है तो आप M500 भी ले लो, लेकिन ऐसी जगह पे लो आप लोग मैप देख लो जहाँ पे एकदम खुली जगह हो, लाइक पोचिनोक हो गया, मार्शल स्ट्रिक हो गया। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि एनिमी एकदम सामने आता है तो हम आराम से वन टैप मार सकते हैं। लेकिन भाई अब आप लोग मिल पे M500 ले लो तो यार यहाँ से आप लोग M500 से वन टैप कैसे मार सकते हो, यहाँ से एकदम उबड़ खाबड़ सी जगह होती है। तो आप लोग मैप देख के लो, मतलब आप लोग लोकेशन देखो कि यार कौन सी जगह आई है, तो उस हिसाब से आप लोग गन लो। तो अब ज्यादातर तो आपको G18 ही लेना है या फिर ये गन ले लो आप जिसमें आप ये क्या बोलते हैं इससे जो अभी मैंने ले रखी है। तो इस वाली गन से होता क्या है, अब आप लोग इस वाली गन को चलाना सीखो भाई, इतना मस्त
गन है, आप लोग जाके और एनिमी पे फायर करो तो आप लोग ड्रैग करो, ड्रैग करते हो ना तो एकदम ओपी हेड लगता भाई इससे। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोग अच्छी गन लो पहले राउंड में, ये G18 ले लो या फिर ये वाली गन ले लो जो अभी मैं चला रहा हूँ, तो इससे आप लोग आराम से मार सकते हो बंदों को। अब देखो मैंने किला कैरेक्टर के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि यार देखो अगर कोई बंदा हमें मारने के लिए आता है सामने तो हम उसे आने ही नहीं देंगे भाई, उससे पहले ही हम खत्म कर देंगे बंदे। तो आप लोगों को किला बिल्कुल भी यूज नहीं करना। देखो अभी देखो ये आ रहा है किला के चक्कर में, ये लो ये हमें मुक्के मारने आ रहे थे तो मैंने सुला दिया यहीं पे मेरे को मुक्का मारने से पहले ही। भाई मुक्का मार ही नहीं पाता मेरे को बंदा, कभी कभार है ऐसा सिचुएशन बन जाए कि मुक्का मार दे बंदा लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, तो आपको किला तो यूज करना ही नहीं है। तो चलिए फिर अभी चलते हैं अपन ट्रिक नंबर 3 पे। तो भाई ट्रिक नंबर 3 हमारी मिस्टेक। अब आप लोग मिस्टेक क्या करते हो कि मान लो आपने किसी बंदे को डाउन किया, जैसे कि लाइक अभी देखो मैं डाउन हो गया, तो यार देखो अब बंदे ये क्या करते हैं, ये देखो इस बंदे को मुझे मारने में शर्म आ रही है भाई, वहाँ पे एक बंदा रिवाइव कर रहा है तो यार ये बंदा मुझे मार सकता है लेकिन ये क्यों नहीं मार रहा मुझे पता है, क्योंकि उसने मुझे डाउन नहीं किया था। अब देखो अभी मैं रिवाइव हो जा रहा हूँ, अब मैं रिवाइव हो गया ना तो अब देखो अब मैं सबको ऐसा धोऊंगा बिना साबुन निरमा के कि भाई वो बंदे इतना पछताएंगे कि मैंने कहां से इसे छोड़ दिया, और चमक भी आएगी भाई। तो आप लोग यही गलती करते हो कि भाई जैसे कि कोई बंदा अगर डाउन पड़ा है तो भाई उसे पूरा खत्म कर दो यार, आपका जा क्या रहा है भाई, पूरा पूरा खत्म कर दो। कोई बंदा आपके सामने डला, अब उस बंदे को पूरा चांस था मुझे खत्म करने का लेकिन नहीं भाई उसने मुझे खत्म नहीं किया। आज चिल्लू साल ये ले इसी ने नहीं मारा था, बहुत बड़ी गलती कर दी बेटे तूने मुझे छोड़ के। अभी देखो एक बंदा और आया ये ले, अब मैं भाई सबको ऐसा धोऊंगा ये ले तेरी तो ये, अबे भाई ये देखो भूया खो दिया इन लोगों ने, बस एक मिस्टेक भाई इन लोगों ने एक गलती की और अपना भूया छोड़ दिया। भाई क्या जा रहा है यार आपका, आप अगर आपका एनिमी मतलब आपके किसी बंदे ने किसी बंदे को डाउन किया है तो उसे पूरा क्लियर कर दो। अब मेरा फ्रेंड तो एक ऐसा है कि भाई वो डाउन बंदों को ही मारता है बस, तो आप लोग भी आपके सामने कोई बंदा डाउन डला है तो उसे पूरा खत्म कर दो भाई, पता नहीं कौन बंदा कैसा है, अगर वो रिवाइव हो गया तो वही बंदा भूया करवा दे। ये देखो अभी इन लोगों ने एक गलती किया और बस भूया चला गया उनके हाथ से, अगर वो तभी मुझे पूरा खत्म कर देता तो उनका भूया था पक्का। अब दूसरी गलती क्या करते हो आप लोग, ग्रेनेड का यूज करते ही नहीं हो भाई, ग्रेनेड का भी यूज किया करो यार, ग्रेनेड लेके जाओ, आपके पास पैसे भी होते हैं तब भी आप लोग ग्रेनेड नहीं खरीदते हो, ग्रेनेड लेके जाओ। आपको कुक करने का तरीका होना चाहिए, कुक ग्रेनेड मारो भाई पूरी पूरी स्क्वाड चली जाती है ग्रेनेड में, तो आप ग्रेनेड भी यूज करो। तो यही थी हमारी तीसरी ट्रिक, अभी हम चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो अब भाई ट्रिक नंबर 4 जो हमारी वो है आपका स्क्वाड कोऑर्डिनेशन। भाई अब अगर आप क्लास स्क्वाड खेल रहे हो तो आपके चारों बंदे अच्छे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई एक बंदे का नेट नहीं आ रहा है, एक बंदे को काम आ गया है और दो बंदे अनली लड़ रहे हैं, तो भाई ऐसे में आप भूया कभी नहीं कर सकते हो, आपका पूरा का पूरा स्क्वाड होना चाहिए। चलो ठीक है अच्छा स्क्वाड नहीं है लेकिन भाई चारों बंदे अगर रहेंगे ना तो भाई उससे बहुत कुछ हो सकता है, चारों बंदे साथ में रहेंगे खेलेंगे तो चारों बंदे जीत सकते हैं। अब आप लोग एक गलती और करते हो, अगर आपके चारों बंदे है भी तो आप लोग अलग अलग जाते हो भाई, अलग अलग आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको चारों को साथ में रहना है भाई, अगर आप चारों साथ में रहोगे तो फिर आपको कोई नहीं मार सकता। और हाँ अगर आपकी स्क्वाड अच्छी खासी है तो फिर यार आप लोग ऐसा करो कि देखो चारों बंदों से बोलो कि एक साथ चलेंगे अपन और चारों बंदे शॉर्ट रेंज की गन ले लो और चारों एक साथ जाओ, बिल्कुल एक साथ जाओ, चारों जाके एक साथ जाके चढ़ जाओ रस मारो, तो भाई कोई बंदा हमें टच भी नहीं कर पाएगा। ये देखो भाई एक एक गोली में बंदे खत्म हो रहे हैं। अभी देखो इसमें ये भी होता है हम साथ में रहते हैं तो हम रिवाइव भी कर सकते हैं भाई एकदम आराम से, और आप लोग हर मैच में आप लोग हर राउंड में अगर एकदम चढ़ के रस मारोगे ना तो सामने वाले बंदे जो होते हैं वो कमजोर भी पड़ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बंदे बहुत तगड़े हैं, एकदम चारों की चार एकदम तगड़ा रस मार रहा है और खत्म कर देते सबको। ऐसा आप लोग शुरू से भी कर सकते हो, और अगर आपके 3 राउंड हो गए मतलब आप 3 राउंड हार गए अब आपका 4th राउंड है तो भी आप लोग एकदम चढ़ के रस मार सकते हो, जाओ भाई अब हारना तो है ही तो सीधे चारों के चार एक साथ जाओ, लेकिन ऐसे जाओ कि एकदम ओपन में मत जाओ, एकदम मतलब थोड़ा कवर ले लेके जाओ ताकि बंदा हमें दूर से ही ना मार सके, हम चारों उन सबके पास में पहुंच जाए उसके बाद हम आराम से उन सबको मार सकते हैं। अब ये देखो हमने यहाँ पे भी ये जीत लिया। अब वो कैसे जीता, क्योंकि यार हमने यहाँ पे चारों बंदे साथ में थे तो चारों बंदे साथ में होते हैं और सामने वाले बंदे जो होते हैं वो अलग अलग आते हैं तो आप लोग आराम से मार सकते हो। तो फिर बस यही था आज का हमारा ये वीडियो। अभी मैं आप लोगों के लिए वो और बता देता हूँ कि आप लोग फैक्ट्री पे मैं मतलब फैक्ट्री पे कैसे गया था, वो बस मैं ऐसा ही नॉर्मली ऐसा ही गया था थंबनेल के लिए कि यार थंबनेल में बैकग्राउंड में क्या दिया जाए ऐसा अच्छा सा, तो मैं इसलिए मैं क्लासिक गेम में गया था, क्लास स्क्वाड में थोड़ी सी प्रॉब्लम
लंबी हो सकती है। अब मुझे पता ही नहीं था, पहली बात तो यह है कि इस पे चढ़ें कैसे, वो तो मैं बस ढूंढने आया था कि भाई इस पे हम चढ़ कैसे सकते हैं। तो यार मैंने कम से कम एक घंटा परेशान हुआ था मैं यहाँ पे, बार बार यहाँ पे जोन भी आ रहा था तो मैं मर रहा था बार बार। उसके बाद भाई दिमाग लगाते लगाते मैं थोड़ा लगाया दिमाग और फिर मैंने सोचा चलो यहाँ से जाके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी मैं आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से आपको जाना है। आप लोग यहाँ से नहीं अगर जा पा रहे हो तो यहाँ पे एक पीछे खंबा है, आप उसके यहाँ से जा सकते हो और इसके अंदर आप आओगे ना और आप यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। ये ग्लूबल लगाने की जरूरत नहीं है, ये गलती से ग्लूबल मैंने लगा दिया था बस वहाँ पे जाने के लिए। तो मैं अभी वो गलत ग्लूबल है तो अभी वो टूट जाएगा, उसके बाद मैं उसके ऊपर जाऊंगा तो बस वो ग्लूबल टूट जाए। अभी देखो वो ग्लूबल टूट गया। अब देखो गाइस आपको ग्लूबल लगाना है किस तरीके से लगाना है, जहाँ पे आप अभी ग्लूबल आपको अच्छे से मिलाना है, मतलब भाई लेवल में रहे। अभी जो ग्लूबल मैंने लगाया था ना वो थोड़ा गलत हो गया था तो मैं नहीं जा पा रहा था। अभी देखो ये जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ ना वो आप देखना वहाँ पे ऐसा ही लगाना, एकदम सिंपल पूरा एकदम प्लेन रहे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आए और सीधे आपको उस ग्लूबल के ऊपर से आप वहाँ पे चले जाना है। तो आप लोग आराम से यहाँ पे आ सकते हो, मतलब भाई यहाँ से कुछ ज्यादा वो नहीं है लेकिन आप लोग आ सकते हो, क्लास स्क्वाड में भी आ सकते हो, एकदम नॉर्मल सी बात है। एक ग्लूबल बस लगाना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। तो ठीक है यार, फिर बस यही था आज का हमारे वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक जरूर कर देना है। और अगर आप और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट ध्यान से कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। घर पे रहो, सेव रहो, घर से बाहर निकलो तो मास्क ध्यान से लगाओ। बाय।